अबे स्लिप अभी थोड़ी और पड़ेगी, ब्लैक आइस होगी ना, जब जब ये जम जाएगी फिर ये भी बहुत ज़्यादा स्किट करेगी। क्या अबे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, तेरे को पता है गाड़ियाँ रुकती नहीं है, बाइक का बंदा कंट्रोल कर लेता है। और गाइस सामने बर्फ़ आ गई थी यार, शायद से स्नो आ गई थी तो उसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा। यार क्या बताऊँ, तगड़ी बर्फ़ हो रही है यहाँ पे, कहीं रुकना पड़ेगा वरना अपने कैमरे ख़राब हो जाएंगे पता है। मैं तो फुल कोशिश कर रहा हूँ भाई अपना कैमरा साफ रखने की, बट क्या करूँ बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्या वो पीछे उससे पानी निकाल दिया किसी ने, ओए आराम से चलना, आराम से गिरियो मत प्लीज़ यार, गिरना मत बस आराम आराम से चल, मेरी बाइक में एबीएस है तेरी नॉन एबीएस है, मुश्किल नहीं हुआ भाई, एडवेंचर है, मज़ा आ रहा है। लोग बोल रहे कि भाई बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन यार एडवेंचर है, इसी को एडवेंचर बोलते हैं, मज़ा आ रहा है मेरे को तो अभी तक तो भाई बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बाकी गॉड से प्रे करते हुए जाऊँगा कि ऐसे ही भाई जाते आराम आराम से मज़े से मैं गया था वैसे ही आराम आराम से घर भी पहुँच जाऊँ। ना ना मेरा नहीं, तेरा ये बीच वाला फंस गया, तो एक बात कर कवर उतार दे फोन का भाई, जो जिस चीज़ के लिए हम आए ना आप लोगों को दिखाने के लिए आए भाई, खुद तो एंजॉय करते हैं लेकिन तुम हमारी जो YouTube फैमिली है उसके लिए भी भाई बहुत करना पड़ता है, कभी कभी कैमरा वगैरह भी ख़राब हो जाता है तो उसके लिए भी। और स्नोफॉल भाई बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, चेक करो जैकेट देख रहे हो हमारे, और इस कार की बाइक भाई, इस कार बाइक कसम से तो इतना सही लग रहा है, कसम से पूरा वाइट वाइट हो रखा है। चल ठीक है मेरे से क्लिप ले लेना तू। सो गाइस इसकी यार हो गया क्या, फुल हो गया मेमोरी। सो गाइस इससे ये चेक करो अपना बाइक बीच क्या लग रहा है, मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये चेक करो हैंड ग्रिप वगैरह वापस से गीली हो गई है। चले भाई इसको आगे जान दे, इसको आगे जान दे, इसके बाद नॉन एबीएस है, पीछे से मारेगा आगे मेरे को। भाई स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई, और नंबर प्लेटें कैसे छुप रखी है, मैं मारो चलाना भैया किस, क्या मारो गया तुम, नहीं यार चलान की क्या बात है, अभी हम चलते ही वैसे उस तरह चल रही नहीं रहे। ओ भाई ये कुछ ज़्यादा हो गया यार, ये आस्ता आस्ता ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गया, ओए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हम ऊपर से उतर के आ गए, अगर हम ऊपर से उतर के ना आते भाई फंस जाना था बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि ये देख सकते हो दो तीन तीन चार सेंटीमीटर तो आराम से मतलब बर्फ़ पड़ गई है अभी तक। प्रावा गाड़ी स्लिप करती है, देख ले नॉन एबीएस का कितना अच्छा फ़ायदा है, ओए ओए और नया नया इसमें चल रहा जो कभी गाड़ी आई है स्पेशल, पता है तेरे को ताज़ी अगर जो नई नई स्नो पड़ती है उसमें चलो स्लिप नहीं होता है बंदा, मैं भी सोचा था कि ओ भाई कहाँ से बचे कसम से। एक भाई यहाँ पे शूट हो रही है रीले, और भाई बहुत तगड़ा मौसम हो रखा है, एक नंबर मज़ा आ रहा है चलने का अभी तो। भाई जुकाम लग गया मेरे को, आराम से हिलियो मत मत, कुत्ता खा ले भाई तेरे को, वैसे भी बर्फ़ में उसको कुछ नहीं मिल रहा खाने को। और गाइस भाई एडवेंचर बहुत ज़्यादा तगड़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है चलने का, ये चेक करो भाई। बाकी मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा क्योंकि बोलने का मन नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है भाई देखता ही जाऊँ देखता ही जाऊँ देखता ही जाऊँ। ठीक है तो ये चेक कर रहे हो तुम लोग भाई, सामने का नज़ारा देखो और एन्जॉय करो, व्लॉग को बने रहो व्लॉग में यार।
मुझे लगता है आज से पहले भाई किसी ने आज तक मोटो ब्लॉग ऐसे कभी नहीं किया होगा कि बाइक पे चल रहे हो और आज बर्फ़ बरस रही है, एडवेंचर हो रहा है, दोस्त बैठे। गाइस क्या ही बताएं यार, स्कॉर की क्लिप भी मैं यहाँ से डालूंगा। स्कॉर्पियो आ रही है, आगे से साइड हो जा भाई, उड़ा देगा साला। भाई स्ट्रगल कर रही है स्कॉर्पियो और अपनी बाइक्स कैसी जा रही है भाई, एक नंबर भाई। छत देखो लोगों के एकदम भाई, पूरी वाइट टॉपिंग हो रखी है, पूरा मतलब पूरा एरिया वाइट हो गया। और अपने जैकेट में बर्फ देखो भाई, खाने का मन कर रहा है बट मेरे हेलमेट के अंदर भी बर्फ हो गया। खाने के लिए तो लेके चलेगा भाई। ओए थोड़ा इधर मैं तेरा हेलमेट दिखाऊं, अंदर से पूरा वाइट हो गया। यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होनी चाहिए एक छोटी सी। और ये चक्कर भाई, गाड़ियाँ आ रही है ब्रो, अल्टीमेट कसम से यार। भाई टिकटॉकर की फटी पड़ी है, बोल रहा है तू प्लीज़ दोनों हाथों से चला, आज दोनों हाथों से चला, बाकी फिर कभी मत चलाइए बट आज चला। लेकिन यहाँ पे स्लिप बहुत तगड़ा है, इसको बोल थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना। देख थोड़ा दूर है ना, तो यहाँ से उतर, मेरी मानता है उतर जा, यहाँ से उतर जा। यहाँ पे बहुत तगड़ा स्लिप है, उतर जा, यहाँ पे बहुत तगड़ा स्लिप है, उतर जा, नीचे स्लिप है, यहाँ से सीधा नीचे, वो शेड के पास खड़ा हो पार। बीच में मेरे को कॉल आ रही थी, मैं रुक गया था। इसको बोल दूर रखना पड़ा, तेरे पास ABS को नहीं लगा, मेरे को ठोकेगा आगे। भाई साहब पाँव घसीटते हुए जा रहा हूँ मैं। अबे तू मेरी टांगे में घोट रखी हो, मेरे को ठंड है, मेरे को नहीं लग रही, मैं बाइक चला रहा हूँ कब से, पागल हो गया नल्ला छपरी। इस टाइम बाइक चलाना सवाल नहीं है भाई, इस टाइम बाइक चलाना एडवेंचर है, एक मज़ा है बहुत ज़्यादा। अब देख सकते हो भाई, अगर तुम्हें एडवेंचर करना है तो एक सिंपल शादी सी, जिसके पास ही कोई भी बाइक है उठाओ और निकल आओ, करो एडवेंचर। कोई मतलब ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास AC वाली गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हीटर वगैरह वगैरह, तुम बचे रहोगे, ये चीज़ें बाद में देखो भाई। भाई खड्डा बर्फ में, ये चीज़ भी है भाई, यहाँ पे खड्डे को नहीं दिखते। एक तो यार मेरा कैमरा पे बर्फ़ पड़ जाती है, मैं पता है तेरे को कब से मैं कैमरा ही साफ़ कर रहा हूँ सिर्फ। और गाइस मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में भाई दो तीन बार गिरता बचाऊँ के वीडियो में सिर्फ कैमरा ही साफ़ करता हुआ दिख रहा हूँ। और मैं वो शॉर्ट्स डालूंगा आज, मैं कट कुछ नहीं करूँगा, पूरा व्लॉग मतलब डालूंगा रॉ, ठीक है। मज़ा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को ये व्लॉग देख के। तो भाई और कुछ नहीं यार, जर्नी रहती है अपनी, कहीं भी बंदा जाता है यादें रहती हैं कि कहीं पर गए थे भाई घूमने के लिए, एडवेंचर किया था, मज़ा किया था। तो भाई आ जाओ तुम भी एंजॉय करो हमारे साथ, हम तो भाई ऐसे एडवेंचर कर रहे हैं, लेकिन तुम वीडियो देख के होप करते हो उतना ज़्यादा मज़ा तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा यार। तुम भाई चेक इट आउट वे, अब ये वाली रील डाल। और गाइस बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, बहुत तेज़ हो गया बर्फ़, चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, आंखों में लग रही है तगड़े तरीके से, और मुँह भी ठंडा हो गया अब। अबे नल्ला छपरी रुक नहीं रहा। अबे यार मैं भगाने पे हूँ तो भगाऊँ, लेकिन यार स्लिप हो जाएगी ना, क्या करूँ लगा मर। सो गाइस यहाँ पे रुके हूँ, लेकिन यार ये रुक नहीं रहा, कब से बुला रहा हूँ, क्या पागल है, रुक नहीं सकता तू अंदर, रुक नहीं सकता। और गाइस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते, आए वो चला ही नहीं जा रहा अपनी बाइक से, धुआं दे कैसे जा रहा है, बर्फ़ पड़ रही है ना उसके ऊपर। सो गाइस हेलमेट वगैरह उतारते हैं, तुम लोगों को हेलमेट वगैरह की कंडीशन बता दूँ, यहाँ पे शीशा ही नहीं है। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके, पीछे रुके थे थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी रहे थे, और मौसम भाई पीछे का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रही है यार बहुत ज़्यादा, तो अच्छा हुआ कि हम पहले ही निकल आए। इस कार जा रहे हैं भाई यहाँ से, और तुम्हारा भाई थाना मंडी वाली साइड से जाएगा अपने घर, गाँव में जाऊँगा होम टाउन में। तो भाई लेट्स सी क्या रहने वाला है, तो चलते हैं यहाँ से फुल पावर, ख़तरनाक तरीके से भाई। यहाँ पे भी अब थाना मंडी में स्लो फॉल होनी स्टार्ट हो गई है, जब मैं आया था तब तो बिल्कुल नहीं थी हो रही, लेकिन अब होनी स्टार्ट हो गई है भाई। भाई भाई तगड़े वाला मौसम रखा है ना, बारिश हो रही है, और इस कार ने अब गधे ने भगानी स्टार्ट कर दिया, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत इसकी वजह से, कि वो बंदा भगा रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई भगाता थोड़ी कम ही है, तुम लोगों को पता ही होगा।